10 न्यूज की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो है उत्तराखंड की अहम खबरों का। जनपद हरिद्वार के हर की पौड़ी पर कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी है। बता दें कि महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर भोलेनाथ के भक्तों में अपार उत्साह नजर आ रहा है। एक ओर जहां शिव भक्त महाशिवरात्रि के लिए जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हर हर महादेव के जयकारे हरिद्वार नगरी में चारों तरफ गूंज रहे हैं। इसी क्रम में पंडित कृष्ण कुमार शास्त्री ने बताया कि महाशिवरात्रि पर तीन योगों का एक ही दिन पर बनना अद्भुत संयोग है। उन्होंने बताया कि इस साल महाशिवरात्रि काफी शुभ फल देने वाली मानी जा रही है और इस वर्ष की महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, चतुर्ग्रही योग और शिव योग बन रहा है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। आज का महापर्व महायोग भी माता है। आज त्रयोदशी है, फिर चतुर्दशी की तिथि है। सायकाल तक प्रदोष रहेगा और उसके बाद रात्रि में चतुर्दशी। तो त्रयोदशी और जब चतुर्दशी का योग मिलता है और सबसे बड़ी चीज आज शुक्रवार है। शुक्र माने आदि गुरु, दैत्य गुरु, शुक्राचार्य भगवान शिव के परम भक्त कहे गए हैं। तो शुक्र है, शुक्रवार का दिन है और आज गुरु और त्रयोदशी और चतुर्दशी तीनों का समावेश बनकर महायोग बन रहा है। चतुर्पहर का रात्रि भर पूजन होगा और सभी सिद्धक आपने पास पास के मंदिरों में जाएं, जल अभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें और बेलपत्र पुष्प चलाएं, सर्व मान फल पाए। और जिनको पुत्र की प्राप्ति का योग बनाना है वो कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। जिनको धनोपार्जन करना है वो शहद से, गन्ने के रस से अभिषेक करें। सभी की मनोकामना भोलेनाथ श्री कर पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय श्री शंकर। आज जो हमारा हरिद्वार है वो तो शिव नगरी है ही, शिव जी की सुकाल है और सुबह से ही जो भक्त हैं उनका बहुत आता लगा हुआ है। यहाँ पे दही मंजन में भी लगभग आधे किलोमीटर लंबी लाइन है। लगभग एक घंटे से हम लोग लाइन में खड़े हुए थे, तब जाके भोले बाबा के दर्शन हुए हैं। और आप सभी के द्वारा मैं सभी भक्तों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। महाशिवरात्रि का पर्व है और आप जैसे जनवरी हरिद्वार में भी इस समय जो शिव के भक्त हैं वो कड़खल के महादेव मंदिर में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सुबह से ही इस मंदिर में लंबी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और शिव भक्त लंबी लंबी लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं और भगवान शिव को आज मनाने के लिए सुबह से ही काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। आज महायोग भी बन रहा है, आज गुरुवार है और पूरा चाहे के साथ साथ आज शिव की सुकाल भोलेनाथ इस मंदिर में कहते हैं काफी सारे लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि काफी प्रसिद्ध मंदिर है। दशमंत्र महादेव संतान घाट के पीछे सामने है और जिस तरह से आज श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, महाशिवरात्रि का पर्व है और बहुत सारे कांवड़ी सुबह से ही गंगा जल लेकर शिवालय के लिए पूज भी कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से देखा है तो शिवरात्रि की धूम धमने हरिद्वार में काफी संख्या में दिखाई दे रही है। कैमरामैन हर्ष तिवारी के साथ नरेश कुमार, हरिद्वार।